प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक अभिनंदन। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम उसने कहा था कहानी का अगला अवतरण करते हैं, जो इस प्रकार से है। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठ हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मैं, और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए हैं। गनीमत है कहीं दिखता नहीं, घंटे दो घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। और इस गेपी गोली से बचे तो कोई लड़े। नगर कोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं, जो कहीं खंदक से बाहर सफा या कोनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या कि पत्तियों में छिपे रहते हैं। इसमें कुछ कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनका अर्थ पहले जान लेते हैं। जैसे जलजला, जलजला का अर्थ होता है भूकंप। गेबी शब्द, गेबी का अर्थ होता है अज्ञात। खंदक, खंदक यानी खाई। प्रस्तुत अवतरण पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था से लिया गया है। लड़ाई के मोर्चे पर सूबेदार हजारा सिंह और सिपाही लहना सिंह का वार्तालाप चल रहा है, दोनों में बातचीत चल रही है। यह अवतरण लहना सिंह का कथन है। लहना सिंह कहता है कि जर्मनी के मोर्चे पर इस तरह की लड़ाई अत्यंत कष्टदायी है। यहाँ रात दिन खाइयों में बैठे रहना पड़ता है। यहाँ सर्दी अत्यधिक पड़ती है, इस कारण से लगातार खंदकों में बैठे रहने से शरीर की हड्डियां अकड़ गई हैं। यहाँ लुधियाना से 10 गुना अधिक सर्दी पड़ती है। इतनी सर्दी के साथ ही कभी वर्षा होने लगती है और कभी कभी बर्फ भी गिरने लगती है, जिससे मोर्चा लेने के लिए बनाए गए खंदकों में, खंदक मतलब खाई, खाई में डटे रहना बहुत ही कठिन हो जाता है। वर्षा के कारण खंदकों की मिट्टी गीली हो जाती है, इससे पैरों की पिंडलियों तक कीचड़ बन जाता है और उसमें पैर फंसे रहते हैं। आकाश साफ न होने से खंदक के बाहर कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता है। केवल घंटे दो घंटे बाद कान को फाड़ने वाले बमों के धमाके अवश्य सुनाई देते हैं, जिससे सारी खंदक हिल जाती है। सारी की सारी खाई है वो हिल जाती है और धरती 100-100 गज फासले तक उजड़कर उछल जाती है। इस तरह बम के धमाकों से वैसे ही धूल का गुबार फैलता रहता है। उधर शत्रुओं की ओर से छिप छिप कर गोलियां चलती रहती हैं। इनमें पहले आत्मरक्षा करनी पड़ती है, तब जाकर शत्रुओं से लड़ा जा सकता है। यहाँ निरंतर भूकंप आता रहता है और दिन में 2500 बार धरती कांप उठती है। यहाँ तो नगर कोट के भूकंप से भी बड़े भूकंप आते हैं। अगर हम लोगों के शरीर का कोई अंग जरा भी खंदक से बाहर निकल जाता है तो तुरंत ही शत्रुओं की गोलियों की बौछारें होने लगती है। थोड़ा सा अंग खाई में से क्या निकला कि उन्हें पता चल जाता है कि इस खाई में छुपे हुए हैं और वो अपनी बंदूकें चलाने लगते हैं। न मालूम ये शत्रु मिट्टी में लेटे हुए हैं या पत्तियों आदि से अपने शरीर को छिपाकर हमारी तरह घात लगाए हुए बैठे हैं। विशेष संदर्भ में हम लिखेंगे युद्ध क्षेत्र की कठिनाइयों एवं कष्टों का मनोरम चित्रण गुलेरी जी ने किया है। सिपाही लहना सिंह की विवशता और मनोदशा के साथ उसके साहसी एवं विनोदी स्वभाव का भी चित्रण किया है। साहस पूर्वक शत्रुओं से डटकर सामना भी कर रहा है
और साथ साथ अपने जो सैनिक है, सिपाही है, सूबेदार है, उनसे हंसी मजाक भी करता जाता है। इसकी भाषा बहुत ही सरल है, मनोभाव और पात्र की अनुकूल भाषा का चयन हुआ है। लैला सिंह अपने आप ही कहता है कि मैं अपने साहब के साथ इतने वर्षों तक रहा, मैं उनके स्वभाव एवं व्यवहार से पूरी तरह से परिचित हूँ। बीच बीच में परिहास कर लेता है और शत्रुओं से डटकर सामना भी कर रहा है। कोई भेदिया यदि हमारा साहब बनकर आए तो वह मुझे चकमा नहीं दे सकता। मुझे चकमा देने के लिए चार आंखें अर्थात अत्यधिक चतुर रहने की जरूरत है। लैला सिंह कहता है कि मेरे आगे कोई चालाकी नहीं कर सकता, जिसके चार आंखें हैं वो ही मुझे चकमा दे सकता है। लैला सिंह कहता है कि अभी 3 महीने पहले की बात है कि एक मुसलमान गांव हमारे गांव में आया, एक मुस्लिम हमारे गांव में आया, वह निसंतान औरतों को बच्चे होने की दवा देता था और बच्चों को दवाई पिलाता था। वह मौलवी गांव में चौधरी के बड़े के नीचे अपनी छोटी सी खटिया, पेड़ के नीचे एक छोटी सी खटिया है खाट, वो बिछा लेता था और हुक्का पीते हुए लोगों से कहता था कि जर्मन के लोग बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विवेदों का अध्ययन करने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने वेद पढ़कर उससे विमान बनाने का या चलाने की विद्या को प्राप्त किया है, उससे विमान बना रहे हैं, वे गाय को नहीं मारते हैं। अगर जर्मन वाले इस युद्ध में विजयी होकर भारत आ जाएंगे तो वे गो हत्या बंद करा देंगे। वे मौलवी मंडी के व्यापारियों को बहकाता था कि अब अंग्रेज सरकार का राज जाने वाला है, इसलिए डाक खाने में जमा अपने रुपए निकाल लो, वरना तुम्हारे रुपए हैं वो डूब जाएंगे। इससे लोग डरने लगे और उस मुल्ला के बहकावे में आने लगे। लोग धर्म के नाम पर अंधाधुंध पैसा लुटाते जाते हैं। महिलाएं धार्मिकता के नाम पर या संतान के नाम पर कोई भी ऐसा किसी भी जाति का क्यों ना हो, तो यहाँ कुछ जाति विशेष ही इन्होंने बताया कि वो मुल्ला उसको संतान का भेद बताता है कि इस प्रकार तुम्हें इस दवा से संतान होगी, इससे तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे और अंग्रेजों को भगाने से तुम्हारी डाक के पैसे हैं उनके आने से ये वो लोग खा जाएंगे। तो पहले से निकालने का तरीका मैं बताता हूँ और उस खजाने को मेरे पास इस प्रकार एकत्रित करते जाओ। तो ये ठग विद्या थी जो वहां के लोगों को वो बताता था। परंतु ये कहता है लैला सिंह कि मेरे चार आंखें हैं, मैं बहुत अच्छे से चारों तरफ दृष्टि रखता हूँ कि कौन कैसा भेदिया है जो हमारे मुल्क को लूटना चाहता है, हमारे साथ हमारी जनता के साथ गद्दारी कर रहा है, इस चीज को मैं समझता हूँ। तो पराक्रमता पूर्वक शत्रुओं से डटकर सामना भी करता जाता है और अपने साथी जनों को और सूबेदार को सबको बीच बीच में किस्से सुना सुना करके हंसाता भी रहता है। धन्यवाद।